बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह कानून के फेर में फंसे। अपहरण मामले में कल करना था सरेंडर। नीतीश बोले मुझे कार्तिकेय के बारे में जानकारी ही नहीं है। जब सरेंडर करना था तब कार्तिकेय ले रहे थे कानून मंत्री की शपथ। कार्तिकेय पर है अपहरण का पुराना मामला। कार्तिकेय सिंह विधान परिषद के सदस्य, कानून मंत्री बने तो बीजेपी ने कहा ये जंगल राज की वापसी। सुशील मोदी बोले मंत्री की बर्खास्तगी हो। बीजेपी का मिशन बिहार शुरू। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 35 प्लस सीट का टारगेट तय। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद बीजेपी में मंथन। मैराथन बैठक में बिहार में पार्टी की ताकत बढ़ाने की रणनीति तैयार। कर्नाटक के शिमोगा में पोस्टर विवाद नहीं थमा। सावरकर का पोस्टर लगाने पर हुआ था झगड़ा। फिलहाल हालात काबू में। सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। कपड़ा कारोबारी को मारा गया था चाकू। नेता विपक्ष सिद्धारमैया का सवाल, मुस्लिम इलाके में सावरकर का फोटो क्यों लगाया गया। बीजेपी ने दिखाया सख्त रुख। विधायक ईश्वरप्पा बोले हिंदू को कमजोर ना समझे, टीपू नहीं थे आजादी के सेनानी। ईश्वरप्पा का बयान, मुस्लिम शांति से रहे, नेहरू पर लगाया आरोप, कराया था बंटवारा। 24 घंटे के भीतर शोपिया में कश्मीरी पंडित हत्याकांड का बदला। हत्याकांड में शामिल आतंकी आदिल के घर पर रेड। आदिल का घर गिराने की तैयारी। आतंकी साजिश फेल। आदिल के आतंकी ठिकाने में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। घर के भीतर आतंकियों के अड्डे का खुलासा। हाल में आतंकी बना था आदिल। जम्मू में टारगेट किलिंग का विरोध, लोगों ने किया प्रदर्शन। कल ही शोपिया में सेब बागान पर हुआ था हमला। एक कश्मीरी पंडित का कत्ल, दूसरा भाई घायल। गोंदिया में ट्रेन पटरी से उतरी, 50 मुसाफिर घायल। आधी रात को 2:30 बजे हादसा, 13 लोग गंभीर रूप से घायल। नागपुर जा रही थी ट्रेन, कई घायलों को अस्पताल ले जाया गया। ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतरी, हादसे की जांच के आदेश। हादसे के बाद ट्रेन में मची चीख पुकार, गहरी नींद में सोए थे मुसाफिर। बचाव और राहत टीम मौके पर, रेल ट्रैफिक को सामान्य किया गया। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू, पहले दिन हुआ था हंगामा। विधानसभा के बाहर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों का विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी।